नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से तनाव बढ़ चुका है, जिस तरीके से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में भारत के जो छात्र वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे, उन्हें उनके माता पिता भी यूक्रेन से वापस बुलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर जगह बना रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसे में भारत के इन छात्रों का क्या होगा। लेकिन इसी बीच बिहार के गया जिले से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि गया के बेटे जो कि यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, वो सुरक्षित घर अपने लौट आए हैं। बिहार के गया जिले के उत्कर्ष यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब वहां स्थिति बिगड़ने लगी, उसके बाद उनके परिजनों ने इंतजार नहीं किया, सरकार की तरफ से किसी मदद के लिए रुके नहीं और अपने खर्च पर अपने बेटे को वापस घर बुला लिया है। और उत्कर्ष के घर लौटने के बाद उनके माता पिता ने राहत की सांस ली है। क्या कुछ कह रहे हैं उत्कर्ष और उनके परिजन, आप जरा एक बार खुद सुनिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुश है। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरा बेटा यहाँ चला आया, पढ़ाई डिस्टर्ब न हो, इसके लिए यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हो जाए। जब तक वहाँ माहौल ठीक न हो जाए तब तक मेरा बच्चा ही ऑनलाइन पढ़ाई करे। हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर युद्ध की स्थिति थी, इसलिए हम लोग पूरा सब परिवार घबराए हुए थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है शांति हो। युद्ध का तो हम लोग विरोध कर रहे थे। अब मेरा पुत्र आ गया तो मैं बहुत खुश हूँ, कि चूँकि युद्ध से नुकसान हो सकता था, लेकिन इस तरफ ये भी तकलीफ हो रही है कि पढ़ाई भी उसका बाधित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई हो रहा था, तो हम चाह रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ाई हो। तो ऑनलाइन की अभी तक सुविधा नहीं है, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वो वहाँ पर जो है यूक्रेन में इस सरकार के वहाँ के लोग से बात करके पढ़ाई इसका ऑनलाइन शुरू हो, जिससे इसका लाइफ बर्बाद नहीं हो। युद्ध से किसी का भी नुकसान ही होता है, पूरे दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है, उसको हम चाहे UNO या अन्य संस्थाओं से ये आग्रह करते हैं कि ये युद्ध को टाल दिया जाए, जल्द से जल्द शांति हो। यूक्रेन में अभी तो जैसा कि आप जान रहे हैं, माहौल तो अच्छा नहीं है, डे बाई डे बिगड़ता ही जा रहा है, युद्ध का माहौल है वहाँ पे। अभी मैं वहाँ पे MBBS थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ, बोगोमलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव में। अभी हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी वहाँ पे हम लोग का यही है कि जब तक युद्ध चल रही है, जो वॉर का माहौल है, तो तब तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस को कर दिया जाए। जब मैं यहाँ पे आया तो किसी प्रकार के कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई थी। उससे पहले मेरे घर वालों ने घबरा कर, पैनिक होकर बुला लिया मेरे को घर। मैं अपने प्राइसेस के फेयर पे आया हूँ। ऐसा है, सच में को भारतीय दूतावास से कोई सहायता नहीं मिली। भारत सरकार से ये कि सेफली जो भी इंडियन बच्चे वहाँ पे हैं, उनको एक अच्छे प्राइसेस में, फेयर के प्राइस में, जो भी टिकट के प्राइसेस, क्योंकि वहाँ पे अभी प्राइसेस बहुत ही महंगा हो रखा है फ्लाइट्स के, तो एक रीजनेबल प्राइस में उनको घर बुला लिया जाए। सारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 25 से 30 के बीच में, 1000 के बीच में फ्लाइट आती है। तो अभी के प्राइसेस आप देखा जाए, जो एम्बेसी वालों ने कुछ फ्लाइट्स रखी हैं जिनकी भी प्राइस 66-67 thousand है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि सारे अफोर्ड कर पाएंगे। तो भारतीय सरकार इस चीज को भी देखना चाहिए, इतना तो भारत सरकार कर ही सकती है उनके लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से अब उनके माता पिता कह रहे हैं कि उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ऑनलाइन क्लासेस कराई जाने लगेंगी, ताकि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो। साथ ही उन्होंने राहत की सांस इस बात के लिए ली है कि उत्कर्ष सही सलामत घर वापस लौट आया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से वहाँ भारत के जो छात्र हैं यूक्रेन में, उन्हें बुलाने के लिए अभी तक कोई ऐसी चीज़ शुरू नहीं की गई है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसे में छात्र भी अब इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगर सरकार की तरफ से टिकट्स के रेट में ही अगर थोड़ा उन्हें कुछ रियायत दी जाए, तो ऐसे में छात्र अपने खर्च पर ही घर लौट पाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है, सबके लिए उन टिकट्स को अफोर्ड कर पाना भी काफी ज्यादा बड़ा काम हो जा रहा है, काफी ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जा रहा है। ऐसे में सरकार से छात्र उम्मीद लगाकर बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उत्कर्ष ने जो मैसेज दिया है, उसके बाद क्या इससे कुछ बदलाव आते हैं, क्या सरकार वहां बैठे यूक्रेन में बैठे छात्रों की बात सुनेगी, और जो कुछ भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।